हेलो मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन फॉर इंडिया में। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज मैं आपको घोरावल विधानसभा से लगभग 6 किलोमीटर और आगे, जब आप शिवद्वार मंदिर पे आते हैं 6 किलोमीटर आगे उससे आना पड़ेगा, झरखटा एक पहाड़ी है वहाँ पर लेके आया हूँ, जहाँ पर बरसात के दिनों में यह पहाड़ी से जब पानी गिरता है तो बिल्कुल झरने का स्वरूप ले लेता है। चारों तरफ पानी और उससे फैली हुई जो पानी की फुहारें हैं वो आपको बहुत आनंदित कर देंगे। ऐसी जगह बहुत ही कम देखने को मिलती है। यह झरखटा पहाड़ी पर स्थित है। यह एक बर्दियाँ गांव है, जो आपको बता दूं ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। जब आप शिवद्वार मंदिर पे सोनभद्र शिवद्वार मंदिर आते हैं भगवान के दर्शन करने के बाद, जब आप आगे बढ़ेंगे लगभग 5 से 6 किलोमीटर जब आपको आगे बढ़ेंगे तो झरखटा पहाड़ी है, बर्दिया गांव, वहां पर यह इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। प्राकृतिक खूबसूरती, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, बरसात का दिन है। कोशिश थी कि आपको इस झरने के विषय में मैं बताऊं। संक्षिप्त रूप से मैं आपको यह झरना दिखा पा रहा हूं। जब आप यहां आएंगे तो बृहद रूप में इस झरने को देखेंगे, आनंदित होंगे, नहाएंगे और बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसको अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं लोग। यह बरसात का पानी है जो इलाकों में इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद जब इस पहाड़ी पर से नीचे गिरता है तो बिल्कुल खूबसूरत झरने का स्वरूप ले लेता है। आप भी यहां आ सकते हैं, थोड़ा सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताते रहता हूं कहां सुरक्षित जगह है, कहां नहीं है। यहां पर ऊपर से चट्टानें खिसक के सर के ऊपर या कहीं चोट लगने की संभावना यहाँ ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा आएँ तो इस पानी के बहाव से थोड़ा सा दूर रहें ताकि किसी भी तरीके की किसी दुर्घटना से आप बच सकें। और वैसे बहुत खूबसूरत स्थान है, यहाँ आना भी चाहिए। बरसात जब होगी तो यहाँ खूब पानी जब ऊपर से गिरेगा तो यह पहाड़ी दिखाई नहीं देगी आपको, पूरा पानी ही पानी दिखाई देगा। यह पत्थर परत वाले पत्थर हैं, परत दर परत इस तरीके से पहाड़ बना हुआ है। बहुत शानदार स्थान है। यदि आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पूरा समय लेके आए, थोड़ा समय दें और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें। यह मेरा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और यदि आप यहाँ आते हैं तो मुझे अपने अनुभवों को साझा करें मेरे वीडियो पे कमेंट करके। अगले वीडियो के लिए मैं आगे निकलता हूँ।